It's Shanath. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, finally we come bearing good news. So the Legend of Mala Jat movie finally इस साल रिलीज हो जाएगी. अभी इस साल में से चार ही महीने बाकी हैं, तो होपफुली दिसंबर तक रिलीज हो जाएगी. एंड देयर इज अ वीडियो जो कि रिलीज डेट कंफर्म कर रही है, एंड वी थॉट लेट्स रिएक्ट ऑन दिस. लेकिन इसके बाद हम ट्रेलर पे दोबारा से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने पहले ट्रेलर देखा था तो उसको टाइम हो गया था, दो साल तीन साल हो गए. आई एम नॉट श्योर. तो हम दोबारा से देखना चाहते हैं, एंड वी वॉन्ट टू सी माहिरा एंड फवाद टुगेदर अगेन. एंड अभी हम ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके इमीडिएटली बाद हम ट्रेलर पे रिएक्ट करेंगे. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, ये हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, प्लीज डू फॉलो अस. अभी जिन्होंने दोनों वीडियो की इजाजत दिल से दे दिया, लेट्स गो. इस मूवी के अनाउंसमेंट हुए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, और 9 साल के बाद फाइनली इसकी रिलीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और अभी आपको मूवी इसी साल लाजमी देखने को मिल जाएगी. कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था इस मूवी के साथ. तो 2013 में इसके डायरेक्टर जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एक मूवी बनाने जा रहा हूँ बिलाल लशारी ने, जो कि इससे पहले जो मोला जट आई थी उसी पर बेस होगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स होंगी. अच्छा, तो 2013 में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, 2014 में इनका स्क्रिप्ट रेडी हो गया. उन्होंने तकरीबन एक से डेढ़ साल लिया इसके स्क्रिप्ट को लिखने के लिए. उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने कहा था कि उनकी जो पिछली मूवी थी वार, वो अपने एक्शन की वजह से और अपने स्टाइल की वजह से काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन इसके स्क्रिप्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि वीक स्क्रिप्ट था, तो इसलिए मैंने इस मूवी को लिखने के लिए डेढ़ साल लिया. तो इस मूवी को उन्होंने कहा था कि मैं तीन लैंग्वेजेस में रिलीज करूंगा, उर्दू में, इंग्लिश में और पंजाबी में. तो इसके बाद इसकी कास्ट कुछ फाइनलाइज की गई. हमें पता था कि इसमें हमजा अब्बासी होने वाले हैं, शमून अब्बासी और अदनान जाफर. बाद में अदनान जाफर और शमून अब्बासी को इसकी कास्ट में से रिमूव कर दिया गया था. 2015 में बिलाल लशारी ने कहा था कि इसकी शूटिंग मैं लाहौर से शुरू करने वाला हूं, और फिर शूटिंग स्टार्ट भी हो गई थी. उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी स्टोरी पिछली मूवी से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ नाम कुछ करेक्टर्स के और कुछ डायलॉग्स मैंने उस मूवी से ज़रूर लिए हैं. 2013 के दिसंबर में इसका ट्रेलर आ गया था, और इससे पहले हमें 2016 में पता चल गया था कि जो फवाद खान है वो मौला जट का करेक्टर, और जो हमजा अब्बासी है वो नूरी नाथ का करेक्टर करने जा रहे हैं. इसके बाद 2018 में इसका ट्रेलर आया. चूंकि फवाद खान की जो फैन फॉलोइंग थी वो इंडिया में, पाकिस्तान में और कई मुल्कों में बहुत ज्यादा थी, तो इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिला इसके ट्रेलर को. अच्छा, 2019 तक सब ठीक था और इसे रिलीज किया जाना था, लेकिन अचानक से जो पुराने मेकर्स थे पिछली मूवी के और इस मूवी के मेकर्स के दरमियान एक फाइट शुरू होगी. उन्होंने कहा कि हमसे बगैर इजाजत दिए हमारी मूवी का नाम, हमारे डायलॉग और हमारे करेक्टर्स को कॉपी किया गया. 2020 में जाकर फरवरी में तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद ये केस सॉल्व हो गया. बिलाल लशारी ने कुछ पैसे दे दिए और उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कंटेंट को. 2020 फरवरी में केस सॉल्व हुआ था, तो मूवी को 2020 में ही ईद उल फितर पर रिलीज़ करना था, लेकिन फिर आपको पता है कि मार्च में कोरोना आ गया 2020 में, तो इस मूवी को डिले कर दिया गया. तो इस मूवी की अब स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरी स्टार कास्ट है वो होने वाली है फवाद खान, जो कि मौला जट का करेक्टर अदा करेंगे, हमजा अली अब्बासी नूरी नाथ का करेक्टर अदा करेंगे, माहिरा खान जिन्होंने स्पेशल जट्टी का करेक्टर अदा करेंगी, हुमायमा मलिक दारो नतनी का करेक्टर अदा करेंगी, गौर रशीद माखा नत इसका करेक्टर अदा करेंगे, इसके अलावा शफकत चीमा, शमून अब्बासी, नैयर इजाज, फारिस शाफी, अरसलान चीमा, मोहसिन शहजाद बग्गा, ये सारी आपको कास्ट इसमें देखने को मिलेगी. इसे लिखा है सरमद खूसट ने, जिन्होंने अभी कमली मूवी को भी डायरेक्ट किया है, और इसे डायरेक्ट करने वाले बिलाल लशारी, और उनके मुताबिक ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है. इतनी महंगी मूवी मतलब अभी तक नहीं बनी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं साइमल्टेनियसली इसे चाइना में भी रिलीज़ करूंगा और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा. इसका बजट तकरीबन मुझे लगता है कि 40 से 50 करोड़ या मे भी इससे भी ज़्यादा हो सकता है. अभी कोई ऑफिशियल बजट नहीं आया. जो ये न्यूज़ आ रही थी कि इसका बजट 100 करोड़ है वो झूठ है. इसकी लोगों में हाइप इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते. इसने अगर ये मूवी रिलीज़ होती है तो ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी तो ऑब्वियसली बनेगी. ये इसका जो फर्स्ट डे का बिजनेस होगा वो भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, वीकेंड का भी, मतलब जैसे जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ती जाएगी,
और ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करती जाएगी अगर ये अब बर वक्त रिलीज हो जाती है, क्योंकि अभी लोगों में इसका क्रेज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना ही क्रेज है जितना 2018 में इसके ट्रेलर आने पे था। तो अभी जो इसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं वो ये है कि इस मूवी को क्रिसमस के मौका पर मतलब दिसंबर में इसे रिलीज किया जाएगा। ये कुछ कंफर्मेशन भी मिली है, इससे पहले ये भी न्यूज़ आ रही थी कि शायद इस मूवी को डायरेक्ट OTT मतलब नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाए, लेकिन वो डील नहीं हुई, तो अब इसे सिनेमा में ही रिलीज किया जाएगा। और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जो आई है वो इसके एक करेक्टर गोदशी के मुताबिक दिसंबर में रिलीज किया जाना। तो आप बताएं कि इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा, आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और क्या आप इस मूवी को देखने वाले हैं, और क्या ये मूवी रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पाएगी या फिर एक बड़े बजट की बड़ी हाइप वाली मूवी ठूस हो जाएगी, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी फ्लॉप होगी, ऐसा इंडिया में कहा जाता है कि जिस मूवी की रिलीज डेट 3 से ज्यादा दफा चेंज हो वो मूवी बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती। तो देखते हैं लेजेंड ऑफ मॉलर जेट के साथ क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, और उम्मीद करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और इसी साल हमें सिनेमाज में देखने को मिले। तो आप अपनी एक्साइटमेंट के बारे में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मेरे को जो थोड़ा सा मेरे को डाउट लगता है ना वो ये होता है कि ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिकॉज दिस इज बिन शॉर्ट यू नो इन व्हाट 4-5 years बैक, तो कहीं ऐसा ना हो कि मूवी पुरानी सी लगने लग जाए ना। बाकी यार इतनी तगड़ी स्टार कास्ट है, इतने अच्छे राइटर हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इज डन सच अमेजिंग मूवीज पहले। So we really hoping ki movie chale because we are huge fans of the cast and the story. I remember last time ne kaise badhiya tarike se is pe react kiya tha, par mere ko na bilkul abhi trailer yaad nahi aa raha, so I really want to see it again. Guys, we are reacting on the trailer now. Let's go. Desh Punjab vich chukya si ik sur mein vair da paar, saad da jatt te yaar gandasa utto pyo sardar. सौ सौ मील ते डंके जट दे तके जेड़ा पासा, जट तो वद खड़ाक सी करदा जट दा तेज गंडासा। इस पंजाब दा होर इक थम सी नूरी नत सदावे, नता विचो जेड़ा बुजदिल लब्बे आपे मारदा जावे, दुश्मन फड़ फड़ मारे जेड़े अख दे बन जावन रोड़े, नूरी नत दी दहशत वगदे दरिया पिछे मोड़े, बुझी अग विच दबिया हवरे किथे रुकिया शोला, पुत्र सी इक जट दा यारो ना सी जिसदा मौला। किरण क्या हो रहे, आई डोंट थिंक ये कभी फ्लॉप हो सकती है। सकती फ्लॉप, जिसको भी ये भूल गए इस मूवी के बारे में दोबारा ट्रेलर दोबारा देखो, दोबारा प्यार हो जाएगा हमारे साथ ही, दोबारा देख लो बिकॉज़ द ट्रेलर इज सो गुड एंड द कास्ट इज सो स्ट्रांग। थोड़ी रस्टिक फील आ रही है मुझको ना, थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आती है। वो मुझे उसका लुक देख के भी आई खाल ड्रोगो जैसा लगा ना तुझे, तो मुझे नहीं पता लास्ट टाइम ने बोला था, हमने यही बोला होगा, आई एम श्योर बोला था बोला होगा। तो
गाइस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, एंड अगर दिसंबर में रिलीज होती है सो वी लव टू सी इट, तो आप लोग हमें वीपीएन वगैरह बता देना। हाँ, हम देखेंगे जल्दी से। सो गाइस दिस इज आवर रिएक्शन वीडियो, होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो लाइक कर दो, बहुत सारे कमेंट्स कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, वी लव यू गाइस।